वेलकम बैक एट कनक क्लासेस टू एवरीवन आप सभी का कनक क्लासेस पर स्वागत है आज हम लोग क्लास थ्री कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम कीबोर्ड है इसके क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड आप लोगों को जब यह चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है इसका भी वीडियो कनक क्लासेज पर है तो उसमें बताया गया था कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड में कई तरह के कीज होते हैं तो कौन कौन से वो कीज होते हैं देखिए टाइप्स ऑफ कीज पहला अल्फाबेट कीज नंबर कीज और स्पेशल कीज होते हैं तो ये तीन तरह के कीज होते हैं कीबोर्ड में आप सबको एक्सप्लेन किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल कीज देखिए स्पेशल कीज क्या होते हैं जो ये तीन तरह के कीज हैं इनमें से अलग अलग स्पेसिफाई किया जा रहा है कि स्पेशल कीज क्या होते हैं तो स्पेशल की इज ए कीबोर्ड की दैट परफॉर्म्स ए स्पेशल फंक्शन जो स्पेशल की होता है कीबोर्ड पर उसका काम कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हाउ मैनी कीज आर ऑन द कीबोर्ड तो कीबोर्ड पर कितने कीज होते हैं भाई तो टोटल वन हंड्रेड फोर कीज होते हैं याद रखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन भूल जाते हैं आप सभी स्टूडेंट अभी मैं बताने के बाद पूछूंगा तो कमेंट करके आपको जवाब भी देना है व्हाट इज़ अल्फाबेट की ऑन द कीबोर्ड जो कीबोर्ड अल्फाबेट की है कीबोर्ड पर उसका क्या काम है तो देखिए अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेज जब हमको कोई वर्ड या सेंटेंस टाइप करना होता है तो हम लोग अल्फाबेट कीज का यूज करते हैं वट आर नंबर कीज नंबर कीज क्या होते हैं भाई नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स फ्रॉम जीरो टू नाइन कीबोर्ड पर जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर दिए होते हैं और इन्हीं नंबर्स की हेल्प से हम कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं दे अलाउ यूजर्स टू इनपुट नंबर्स नंबर कीज ही है जिसकी वजह से हम लोग नंबर जो है इनपुट कर पाते हैं टाइप कर पाते हैं तो आपको बता दूं कि कनक क्लासेज पर क्लास थर्ड के एस एस टी के भी वीडियोज अवेलेबल हैं आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर एस एस टी सब्जेक्ट का भी वीडियो देख सकते हैं क्लास फोर फिफ्थ के भी मैथ्स के साइंस के वीडियोज अवेलेबल हैं आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट है वाट इज़ द यूज ऑफ इंटर की की बोर्ड में ही एक की होता है जिसका नाम है इंटर एंटर की उसका क्या काम है तो एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द करसर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मोनिटर जो एंटर की है उसका काम क्या है कि जब हम एक लाइन टाइप कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना होगा ना तो इंटर की को जब हम प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर करसर चला जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट करसर करसर क्या होता है भाई व्हाट डू यू नो अबाउट करसर अब ये करसर क्या होता है तो ब्लिंकिंग लाइन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड करसर जो ब्लिंकिंग लाइन होती है जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें ब्लिंक करता रहता है एक लाइन तो उसी को करसर कहते हैं इट टेल्स आज द करेंट पोजिशन ऑफ स्क्रीन हमें स्क्रीन की करंट पोजीशन के बारे में कर्सर ही बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्पेस बार की स्पेस बार की क्या होता है भाई तो आपने कीबोर्ड अगर देखा होगा तो ध्यान से तो उसमें एक बहुत बड़ा सा एक की होता है उसे स्पेस बार कहते हैं स्पेस बार की इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट जो स्पेस बार की है उसे यूज करने पर क्या होता है दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड की बोर्ड पर सबसे बड़ा की यही स्पेस बार की होता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज द यूज ऑफ स्केप की बोर्ड पर ही एक और की होता है जिसका नाम है स्केप की स्केप की इज यूज टू एग्जिट और स्केप फ्रॉम ए टेक्स्ट अगर हमें कहीं बाहर निकलना है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से या उस टेक्स्ट से तो हम लोग स्केप की को यूज करते हैं इट इज़ इन द की आपको पहचान कर यूज करना है यूज करके सीखना है ठीक है जब आप लैब में जाते हो वाट आर एरो कीज़? तो आपने देखा होगा कीबोर्ड पर चार तरह के एरो कीज होते हैं एरो कीज इज़ यूज टू मूव द करसर ऑन द स्क्रीन ये कर्सर और ऑन बोथ आर देयर इज स्पेस ओके तो ध्यान दीजिएगा स्पेस है यहाँ कर्सर और ऑन के बीच में स्पेस है एरो की का काम है ना कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर ले जाने का काम है देयर आर फोर एरो कीज ऑन द कीबोर्ड कीबोर्ड पर चार एरो की होते हैं आई विल ट्राई टू शो यू द कीबोर्ड आल्सो इन दिस वीडियो इमेज ऑफ द की नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ अप एरो की एरो की में अप डाउन लेफ्ट राइट सब चार तरह के एरो कीज होते हैं तो उसमें अप एरो की का काम क्या है अप एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर अप फ्रॉम इट्स करेंट पोजिशन कर्सर स्क्रीन पर जहां कहीं भी होगा जब अप एरो की हम प्रेस करते हैं तो कर्सर एक स्टेप ऊपर चला जाता है ठीक है वट इज द यूज ऑफ राइट एरो की राइट एरो की का क्या यूज है राइट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर राइट जब हमको कर्सर को राइट साइड right में ले जाना होता है तो हम राइट एरो की यूज करते हैं और भी वीडियो पाना है अगर आपको तो आप कनक क्लासेज पर विजिट कर सकते हैं दिस इज द लिंक और साइट यू कैन टाइप एंड सर्च यहां पर ये देखिए कीबोर्ड है कीबोर्ड का इमेज ठीक है आप लोगों जब भी लैब में जाते होंगे तो इस तरह का कीबोर्ड आपको मिलता होगा मॉनिटर के साथ ना तो उस कीबोर्ड में देखिए बहुत से कीज हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ कीज कितने हैं भाई कमेंट करके जल्दी से बताइए आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट अब यहाँ देखिए ये जो कीबोर्ड है इसको Q W E R T Y इस नाम से जाना जाता है इस टाइप का कीबोर्ड दूसरे भी तरह के कीबोर्ड होते हैं इसमें देखिए नंबर होता है जीरो से लेकर जीरो है और वन टू नाइन ये कीज हैं उसके बाद इधर भी नंबर कीज हैं आप देख पा रहे होंगे फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये एरो कीज हैं फोर टाइप के देखिए डाउन लेफ्ट सॉरी राइट लेफ्ट अप देख रहे हैं उसके बाद ये जो बड़ा वाला दिख रहा है की यही है हमारा स्पेस बार की उसके बाद ये एंटर की है आप देख पा रहे होंगे एंटर की तो इसका यूज कब करते हैं हम जब हमको नेक्स्ट लाइन के लिए जाना होता है लिखने के लिए तो हम लास्ट में कर्सर को रख कर एंटर कर देते हैं ये स्पेस बार कब यूज करते हैं जब हमको दो टेक्स्ट के बीच में जगह बनानी होती है तो स्पेस बार यूज करते हैं और स्केप कब कर यूज करते हैं दिस इज़ द्केप की ये सब स्पेशल कीज हैं ठीक है तो इस्केप की कब कर यूज करते हैं मतलब स्पेशल कीज में तो और भी बहुत से हैं ठीक है तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे कीज हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो स्केप की का काम क्या है चीज़ों कंटेंट को बाहर निकलना जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से इसे देखिए विंडो की कहते हैं विंडो की जब भी कंप्यूटर शट डाउन करना होता है हमको तो विंडो की को जब पुश करेंगे तो क्या होगा पावर का बटन ऑन हो जाएगा उस पर स्क्रीन पर शो करेगा वहाँ से जाकर हम शट डाउन कर सकते हैं जैसे कुछ हम लोगों ने लिख लिया और हमें इरेज करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज करते हैं जितना हमें इरेज करना है उत के लिए उतनी बार बैक स्पेस को प्रेस करते हैं देखिए उसे एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कर्सर ये देखिए ब्लिंक कर रहा है तो ब्लिंकिंग यही स्क्रीन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है इसको हम कहते हैं कर्सर ठीक है इस ब्लिंकिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं कर्सर अब जैसे कुछ भी यहाँ टाइप हम कर रहे हैं अगर कुछ भी अगर हमने टाइप कर दिया जो भी आपकी इच्छा है अब हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या एंटर करते हैं मतलब कौन सा प्रेस करते हैं कि एंटर की अब देखिए एंटर की प्रेस करते ही नेक्स्ट लाइन में हम आ गए फिर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो फिर से एंटर की हमने किया और इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं उसके बाद देखिए दो टेक्स्ट के बीच में जैसे ही यहाँ पर मैंने कर्सर को रख दिया अब इन दोनों के बीच में हमको स्पेस चाहिए तो स्पेस बार हम क्लिक करते हैं देख रहे हैं जितनी बार स्पेस बार क्लिक करेंगे उतना इनके बीच में जगह बन जाएगी उसके बाद आपको एरो की बताया था तो देखिए अप एरो की किया मैंने तो कर्सर ऊपर चला गया देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभी डाउन एरो को मैं प्रेस कर रहा हूँ देखिए तो नीचे आ गया आपको कर रहा हूँ तो ऊपर चला गया और अप किए तो और ऊपर चला गया राइट right कर रहे हैं तो देखिए राइट right में चला गया हमारा कर्सर लेफ्ट किए तो लेफ़्ट में चला गया तो एरो की का यही काम है उसके बाद स्केप की अगर हम प्रेस करते हैं तो स्केप की का, का काम क्या है कि, कि किसी टेक्स्ट से बाहर आने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं या फिर और भी बहुत से इसके यूज़ हैं एप्लीकेशन को क्लोज कर जैसे अब देखिए यहाँ पर जो कर्सर है एक पॉइंट uh, होता है इसमें कीबोर्ड में आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है इंड स्क्रीन या फिर स्टार्ट पॉइंट तो उसको प्रेस करने पर ये कर्सर फर्स्ट पे भी चल जाएगा और इंड वाला करने पर लास्ट में चला जाएगा तो इस तरह से जब भी आप लैब में जाएंगे तो लैब में जाकर इन कीज का आपको प्रैक्टिस करना है देखिए स्केप की का मेन क्या है कि कोई मान लीजिए कोई डायलॉग बॉक्स गलती से ओपन हो गया तो उसको डायरेक्ट बंद करने के लिए हम कीबोर्ड के ई की का यूज करते हैं देखिए उसे प्रेस किया मैंने तो ये डायलॉग बॉक्स हट गया ये तो एक यूज हुआ कि कोई डायलॉग बॉक्स अगर ओपन हो जाता है और उससे हमको डायरेक्ट जो है क्लोज करना है तो उसके लिए हम इस्केप की जैसे अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया अब मुझे बंद करना है तो मैं ये अस्सी बटन दबा दिया डायरेक्ट देखिए बंद हो गया लेकिन इसके साथ ही साथ आप चाहें तो आप और भी यूज कर सकते हैं ये बटन का जैसे कोई वीडियो हमने रन कराया इस पर और रन कराने के बाद उसे फुल स्क्रीन पे चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा फुल स्क्रीन में ना क्लोज बटन दिखेगा ना मैक्सिमाइज ना मिनिमाइज तो ऐसे केस में हम ई बटन प्रेस करके उसे मिनिमाइज कर सकते हैं उसको इस बटन को ला सकते हैं तो ये कुछ यूजेस थे आपके ई बटन के तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और अब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और जब भी आप लैब में जाएंगे तो इन कीज का यूज करके प्रैक्टिस करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू